इतनी त्रिपाठी जी, बौखलाहट है, राकेश जी, इतनी हताश राकेश है कि अभी पांडे जी, सुनेंगे नहीं। रुकिए सबसे मनोज जी बड़ी प्लीज, समस्या आपके पास ये है, बिल्कुल आपको अरुण राज सुनिए, पर आप सुन लीजिए, चिल्लाना फिर आपके जानती पास आ है। जाऊंगा। सुन लीजिए अरुण राज ये पर सुनो, किसका हाँ सम्मान बिल्कुल करते हैं? सुनेंगे। हाँ नहीं, ये किसका सम्मान करते हैं? ओम प्रकाश ये राठौर साधु जी का, संतों का अपमान करते हैं, ये भगवान को अपमान करते हैं, रामचरितमानस का अपमान करते हैं, सनातन संस्कृति का अपमान करते पढ़े हैं, और लिखे देश नहीं हो, के क्या करें, तमाम तुम्हारे जो पर डिग्री भी हमारे फेल है मैम। मंदिर हैं उन सभी देवताओं को अपमानित करने का काम करते हैं। डिग्री और नहीं है क्या ये आपके तो पास? थोड़ी ना करते हैं, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी कांग्रेस पार्टी के साथ गए हैं, उन लोगों ने तो भगवान राम को काल्पनिक बता दिया, और इस काल्पनिक सदन में बताने किसने वालों के बोला साथ है? ये समझौता करते हैं। और इनके नेता, जो इनके बड़े नेता हैं श्रीमती डिंपल यादव जी, उन्होंने कहा कि बद्रीनाथ हमारे आराध्य हैं, हम उनकी पूजा करते हैं, और इनके एक राष्ट्रीय महासचिव उसको कहते हैं कि ये दूसरी चीज है, हमारे नहीं, ये भगवान के नहीं है। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी पूरी तरह कंफ्यूज हो गई है कि हम जाएं मैं तो जवाब किधर जाएं। दूंगा, आप जाइए, मंदिर उनका कौन जवाब रोक रहा देंगे। है? भगवान श्री राम सबके थे, और उनकी मर्यादा का जो उनका चरित्र था वो दलितों के लिए भी था, पिछड़ों के लिए भी था, अल्पसंख्यकों के लिए भी था, अकलियत के लोग सभी वर्गों के लिए था। ऐसा नहीं था कि किसी एक जाति समुदाय के लिए थे। अगर मांस सेवरी का जूठा बेरो नहीं खाते तो मैं मैं समझ जवाब जाता कि दूंगा, वो भी छुआछूत और सबको बांटने की बात करते हैं। उन्होंने सबको एक साथ माला में पिरोने की बात किया कि सबको सद्भाव, सबको सम्मान, सबकी भागीदारी, सबके साथ न्याय। और उन्होंने जो चित्रण दिखाया है, चाहे रामायण में आप देखेंगे, तो वो जो उनकी संस्कृतियां रही हैं, जो उनकी परंपराएं चली आ रही हैं, उसको समाजवादी पार्टी कहां मानती है? वो तो एक जो अपने एक समुदाय, जो उन विशेष लोग हैं, उनको वो खुश करने के लिए हमेशा नारी गाली देते हैं। किसको नहीं गाली? तो मोदी जी को कोरोना काल में जब लोग दुखी थे, जब कोविड वैक्सीन बन रहा था, तो उसको भी कह रहे थे मोदी जी का वैक्सीन है, बीजेपी की वैक्सीन है। आज ये कह रहे हैं बीजेपी के राम है, बाकी किसी के नहीं है। तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी कंफ्यूज है। जाइए आप भगवान राम का दर्शन करिए, आपको पाप जो किए हैं वो धुल जाएगा और आपको भी कुछ लाभ मिल जाएगा। लेकिन आपने अपने पाप को धुलने के बजाय और उसको गंदा करते जा रहे हैं, अपने दल में बीजेपी को बी टीम बताते हैं। इन्हीं के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी के नेता बीजेपी के बी टीम बताते हैं, और श्री अखिलेश यादव जी कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम बताते हैं। तो ये बी टीम वालों को अपने साथ रख करके, उनके साथ गठबंधन करके, अरुण जी, मनोज यादव जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं एक सवाल ऐड कर देता हूं मनोज जी, देश की जनता। और सवाल ये कि राम भद्राचार्य ने, मैं भी नाराज कहते हैं कांग्रेस, राम भद्राचार्य जी ने सिर्फ इतना कहा था कि विपक्ष राम भक्त बने, तब क्रॉस था कि नहीं तो आगे क्या? तब वो हंसकर बोले कि ये 24 में फिर डूब जाएगा मामला। तो सवाल कहीं आप सवाल शायद समझ नहीं पाए। सबसे पहले अरुण राजभर जी को जवाब दे दूं। हाँ, मैं अरुण राजभर जी का जवाब दे दूं। आप महाराजा सुहेल देव क्यों हमेशा बोलते हैं? आप निषाद राज गुहा क्यों नहीं बोलते हैं? आप किसी और महाराज का नाम क्यों नहीं लेते हैं? आपकी आस्था है ना महाराजा सुहेल देव में, तभी तो हम आप लेते हैं। बोलते हैं हम महाराणा प्रताप को भी पहले, बोलते हैं पृथ्वीराज चौहान को भी बोलते हैं, गोराज निषाद को भी बोलते हैं, मालूम है, मालूम है, मालूम है, मालूम है, मालूम है, पार्टी का नाम पूछते हैं आप, अपने बैनर मुझे मालूम है, मुझे बताओ पुरुषों का अपमानित करते हैं, ठीक है, ये आप दूसरे को बताना, मुझे सारा अपमानित करते हैं। आप हमारे बैनर पर देखिए तमाम महापुरुष बैठे पड़े हैं, हम हर महापुरुष का सम्मान करते हैं। आप नए नए आए हो, कम से कम राजभर का फोटो लगाया हो कभी? तो हमें सबका सम्मान करना आता है, नजर आते हैं तो आओ, आपने चलो किसी बीजेपी का को जवाब दो, बीजेपी को जवाब दो, अगर है हिंसाचार का जवाब दो कि मुसलमानों के प्रति इतनी नफरत क्यों, जो यादवों के प्रति इतनी नफरत? नहीं नहीं नहीं, मैं एक मिनट रुक रहा हूँ, इतनी नफरत क्यों? अब मुझे समझ में आ गया। नहीं नहीं मैं आपके पास आ रहा हूँ, और ये मनोज यादव जी, मनोज यादव जी, ग्रंथों का ज्ञान है, मनोज यादव जी अपने काम कर रहे हैं। तो ये समाजवादी पार्टी हमेशा से सनातन विरोधी रही है, इसको दिखाया जा रहा है। अरुण जी, मनोज जी रुकिए, मैं मेहरदीन के पास जा रहा हूँ। एक बात, जो मुस्लिम वाला राग आपने छेड़ दिया मनोज यादव जी, मेहरदीन मेहरदीन, क्या विपक्षी पार्टियां अगर इस तरीके की ग्रे लाइन तलाश रही है तो इसलिए कि 24 के चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक को साधा जा सके? देखिए, अभी अपने जो मनोज यादव जी हैं, बड़ी बात मुसलमानों की कर रहे थे। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जब मुसलमानों के यूपी में जुलुम होते हैं तो ये कितने जाकर उनका सहयोग करते हैं और कितनी उनकी मांगों को उठाते हैं? एक बात, इनका तो जवाब ये हो गया। दूसरा जवाब मैं कहना चाहूंगा, भगवान श्री राम को लाने वाले भाजपा कैसे हो सकते हैं? और भगवान श्री राम क्या बकौती है क्या बीजेपी की? भगवान श्री राम तो सबके सबके भगवान है, तो ये बकौती बना लेना, अपना भगवान बता देना, मंदिर बन रहा है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, भाजपा दिखा रही है कि जैसे हमने मंदिर बना दिया। अरे भैया, आपका क्या योगदान है, आपका क्या महत्व है? मैं एक क्रॉस क्वेश्चन है मेहरदीन, सरकार राम मंदिर अयोध्या किसके चुनावी एजेंडे में रहा है, किस पार्टी के मैनिफेस्टो में रहा है? देखिए, मैनिफेस्टो में तो 2 करोड़ सालाना किसमें रहा है,
बीजेपी के अलावा किसी और पार्टी के मैनिफेस्टो में रहा है? हाँ या ना, बस इतना बता दीजिए, फिर आपका सवाल 100% सही है। 1980 से लेके जब से पार्टी बनी भाजपा, तब से अभी तक वो मंदिर मस्जिद से बाहर ही नहीं निकल पाई। उनके मुद्दे ही मंदिर तो ठीक है, ये मत कहिए ना कि एजेंडे से बाहर वाली चीज है। मुसलमान को हिंदू से लड़ा दो, सिख को दलितों से लड़ा दो, सारे देश में अपना चमड़ी का माहौल बचा दो। और ये इसका तुष्टिकरण का फायदा इनको हो जाता है वोट बैंक की जीरो, क्योंकि हिंदू। अनिल जी ने इशारा कर ही दिया, चलिए अनिल जी को जवाब दीजिए। अब रुक जाइए, मेहरदीन जी रुकिए। हाँ चलिए अनिल जी। राकेश भाई ये तो कोई बात नहीं है आपकी, आपने मुझे 1947 में लाखों लोगों की जान गई। सुन लीजिए, आपने कुछ बात कही उसका जवाब दे लीजिए। 1947 में देश के टुकड़े हुए। अरे मैडम 1947 में देश के टुकड़े हुए किसके आधार पर हुए भाई? अपने अपने मजहब के आधार पर हुए थे ना। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बन गया था, ले तो लिया था कि उस मजहब के लोग वहां पर रहेंगे। ये जो है सनातनियों का ये राष्ट्र होना चाहिए था, परंतु साजिश कर भारत को आप लोगों ने कहां से कहां पहुंचा दिया। लोग तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। हाँ, जब संविधान बना उसके 24 साल के बाद अचानक जो है संविधान को याद आया, अरे इसमें तो सोशलिस्ट और हमने सेक्युलर में डाला ही नहीं है, ये दोनों शब्द डाले ही नहीं है। इंदिरा गांधी ने डाल दिए धर्मनिरपेक्ष, क्या मतलब होता है भैया? सनातन को आप बताएंगे कि धर्मनिरपेक्ष क्या होता है? सनातन को समझते कितना है, परंतु सनातन का अपमान करना कांग्रेस का धर्म था। अच्छा ठीक है। मेरे पास थोड़ा सा कम समय है अनिला जी, एक मिनट, मेहरदीन एक मिनट। एक छोटा सा सवाल और फिर 20 सेकंड में मनोज जी जवाब दीजिएगा। ओपी राजभर ने कहा कि भाई न्योता तो चाहिए नहीं मंदिर में जाने के लिए, 22 के बाद चले जाएं। तो मान लीजिए 22 को न्योता आएगा तो जाएंगे नहीं जाएंगे बात की बात है, 22 के बाद कब जा रहे हैं? सबसे पहले अनिला जी की बात का जवाब दे दूं, जब 1947 में भारत आजाद हुआ तो आपका आरएसएस उस आजादी की लड़ाई में नहीं था। अगर होता तो आप ये सवाल आज कर सकती थी, आपके हिसाब का भारत बन जाता अगर आप अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहे होते। रही बात जाने की, समाजवादी पार्टी भी नहीं थी, छोड़ दीजिए ये सब सवाल। सोशलिस्ट पार्टी थी, आपको नहीं पता है क्या? सोशलिस्ट पार्टी थी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी थी। आपका ज्ञान कम है राकेश पांडे। अरे छोड़िए ना, मेरे ज्ञान मत जाइए। सोशलिस्ट पार्टी थी, तो फिर नहीं उतना समय है। चलिए, आपको नहीं पता लोहिया जी हमारे बात कब जा रहे हैं, तारीख बता दीजिए। अगर तारीख तय है डिंपल जी ने इस बात को कहा है कि जब हमारा बुलावा आएगा तो हम जाएंगे। बीजेपी के निमंत्रण का इंतजार समाजवादी पार्टी को नहीं है। अच्छा। ना कल था ना आज है, ये क्या करेंगे? इनके हाथ का छुआ पानी नहीं पिया जा सकता है। इनको क्या अरुण राजभर जी, एक आखिरी 20 सेकंड आपके पास भी है। बीजेपी बनवा रही है राम मंदिर क्या? पता नहीं कहां पर वही तो कर रहा है। आपका निमंत्रण क्यों मांगे? चलिए नहीं, ठीक है, मत निमंत्रण मांगे भाई। भगवान के घर पर जाने के लिए निमंत्रण चाहिए भी नहीं होता है।